अगर आप अच्छी सेहत और फिटनेस हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं तो आपके डाइटिशियन आपको सलाद खाने की सलाह जरूर देते होंगे, और कोई भी सलाद खीरे के बिना तो शायद पूरा ही नहीं होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे खीरे के बारे में बताने जा रहे हैं जो सोने के भाव बिकता है। ये मिट्टी में नहीं उगता है, इसके लिए समंदर की गहराई में उतरना पड़ता है, क्योंकि हम किसी आम खीरे की बात नहीं कर रहे बल्कि सी कुकुम्बर यानी कि समुद्री खीरे की बात कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समुद्री खीरे की मांग इतनी ज्यादा है कि इसके कारोबार में माफिया राज हावी हो चुका है। भारत के समुद्री इलाके में, खासकर के तमिलनाडु में, इन समुद्री खीरों की संगठित तरीके से तस्करी शुरू हो चुकी है। समुद्री सोने की आसमान छूती कीमत और इसके अवैध धंधे से होने वाले मोटे मुनाफे की वजह से यहां नए माफिया पैदा हो चुके हैं, और इसलिए आज हम समुद्री सोने की इस लूट का पूरा खुलासा करेंगे। जी मीडिया संवाददाता आलोक वर्मा तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी के उस हिस्से तक पहुंचे जहां समुद्री खीरे की तस्करी का नेटवर्क सबसे ज्यादा एक्टिव है, और इसलिए आपको हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। दूर दूर तक लहराता समंदर, लहरों पर तैरती सैकड़ों नावें, पहली नजर में ये तस्वीरें भले ही किसी कैमरे का खूबसूरत फ्रेम नजर आती हों, लेकिन असलियत कुछ और है। ये खूबसूरत समंदर एक नए किस्म के अपराध का गवाह बन रहा है। ये समंदर माफिया का नया ठिकाना बन चुका है, और समंदर के ये माफिया मरीन लाइफ यानी समुद्री जीवों का सौदा करते हैं। समंदर के रास्ते तस्करी माफिया की पहली पसंद रही है, लेकिन अब उनकी नजर समंदर के तल पर है। समंदर के तल में मौजूद सी कुकुम्बर यानी समुद्री खीरा इनकी नई पसंद बन चुका है। समुद्री खीरे की तस्करी का यह नेटवर्क काफी फैल चुका है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम वाइल्ड लाइफ के अंदर आने वाले 280 किलोमीटर का इलाका तो माफिया लैंड में तब्दील हो चुका है। ये माफिया उसी समुद्री जीव की तलाश और तस्करी की जुगत में लगे हैं। आज ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोने से कम कीमती नहीं है। गल्फ ऑफ मन्नार में देखेंगे तो 4,500 से ज़्यादा जो वेरियस टाइप की स्पेसिस है यहाँ पे, उसमें अब देखेंगे तो अभी ज़्यादा डिमांड में और ज़्यादा जो तस्करी होती है उसमें सी कुकुम्बर एक है। साउथ ईस्ट एशिया में मोस्टली चाइना, हांगकॉन्ग, वो साइड में एक इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है। लाइक हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे दिवाली रहती है या फिर कुछ रहता है तो हम स्पेशल डिश बनाते हैं, तो वो देशों में कुछ उनका कल्चरल फेस्टिवल रहेगा तो उनको सी कुकुम्बर से बना हुआ सूप उनके यहाँ पे बहुत फेमस है, तो एक बहुत लग्जरियस माना जाता है। पुलिस और दूसरी एजेंसियां तस्करी का ये नेटवर्क तोड़ने की पुरजोर कोशिशें कर रही हैं, लेकिन कहानी डाल डाल और पात पात वाली है। तस्करी का ये नेटवर्क कुछ ऐसा है कि इनका सिरा पकड़ में नहीं आता। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सहित आधा दर्जन एजेंसियां समुद्री जीवों की तस्करी करने वालों की धर पकड़ और तस्करी पर रोकथाम के लिए तैनात हैं। इनके दिन रात एक करने के बाद भी कहा जाता है कि हर महीने करीब 30,000 किलो समुद्री प्रजातियां अवैध तरीके से विदेशों में भेज दी जाती हैं। जी न्यूज के कैमरे में कैद लाइव रेड की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रामेश्वरम में मौजूद मन्नार की खाड़ी की है।
यहाँ फॉरेस्ट और कोस्ट गार्ड के जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ बढ़ रही नावों को रोककर तलाशी ले रहे हैं। मकसद है तस्करों के नेटवर्क को खत्म करना। लेकिन तस्करों और माफिया का यह इंटरनेशनल गठबंधन इन चौकन्नी आंखों में भी धूल झोंक कर हजारों किलो समुद्री सोना दूसरे देशों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। दिन में भारतीय मछुआरे इन्हीं शिपिंग बोट के सहारे अपनी रोजी रोटी के लिए फिशिंग करते हैं, लेकिन रात में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पार कर आने वाले तस्कर जाल लेकर आते हैं और समुद्र की गहराइयों से वो सोना ले जाते हैं जिसकी एक एक पीस की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 5,000 रुपए तक गई है। समुद्री सोने के काले कारोबार का सच जानने के लिए जी मीडिया समंदर का रास्ता तय कर उस टापू तक पहुंचा जहां तस्करों ने समुद्री खीरे की खेप छिपा रखी थी। एजेंसियों की नजर से बचाने के लिए तस्करों ने इन्हें जमीन के अंदर गाड़ दिया था। यहां से इन्हें साफ करके मौका मिलते ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचा दिया जाना था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम के साथ अब जी न्यूज की टीम उस आइलैंड पर जाने वाली है जहां सी कुकुम्बर जैसी प्रजातियों को स्मगल करके स्टोर किया जाता है और वहां से इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करा के साउथ एशिया, श्रीलंका और दूसरे देशों में भेज दिया जाता है। ये नावें इन मछुआरों की पूंजी है और ये समंदर उनकी कमाई का जरिया। लेकिन मछलियों को अपने जाल में पकड़ने वाले ये मछुआरे खुद के ही जाल में फंस रहे हैं। ये जाल लालच का जाल है। तस्कर खुद सामने नहीं आते, वो तस्करी के लिए इन मछुआरों का इस्तेमाल करते हैं। सी कुकुम्बर की फिशिंग ही करते हैं, तो उसमें ये लोग क्या करते हैं ना, जो मिडलमैन रहते वो छोटे छोटे फिशरमैन से कलेक्ट करते हैं एंड नाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द डिफरेंट हाउसेस। छोटे छोटे घर में डिफरेंट अलग अलग घर में बांट देंगे, वो प्रोसेस करके फिर वो कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद वो जो थर्ड लेवल का ऑपरेटर रहेगा, स्मगलर रहेगा, जो कि श्रीलंकन काउंटर पार्ट या फिर इंटरनेशनली अदर एजेंट के साथ में जुड़ा हुआ है, उनको कॉन्टैक्ट करके वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। 280 किलोमीटर में फैले समुद्र में हर तस्कर का अपना इलाका है। ये तस्कर छोटे मछुआरों से सी कुकुम्बर जुटाते हैं और फिर एक मिडलमैन इन्हें बड़े तस्करों तक पहुंचा देता है। बाद में यही समुद्री सोना विदेशों तक पहुंचा दिया जाता है। मछुआरों का इस्तेमाल कर ये माफिया करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन बदले में मछुआरों को कुछ नहीं मिलता। मछुआरों को क्या बोलते हैं वो पैसा देते हैं मछुआरों को? पैसा है क्या आएगा इसके ना, 10 रुपया, 30 रुपया, 20 रुपया, क्या हो गया, कुछ नहीं होगा। सी कुकुम्बर की सबसे ज्यादा डिमांड चीन में है। इसके अलावा साउथ कोरिया, वियतनाम और अफ्रीका के देशों में भी इसकी काफी मांग है। माफिया संगठित तरीके से इसकी मांग को पूरा करने में जुटे हैं। Actually, this is the organized one. The local crime people, they were involved in this local fishermen. They will collect the sea cucumber from the sea area. Then the local crimers went to the seashore area. They will collect it from the local fishermen who are doing this illegal thing. And then the local क्राइमर आर मेकिंग द प्रोसेस इन द थिंग्स। तस्करी का ये नेटवर्क इतना बड़ा है कि अब ईडी ने भी इसकी जांच शुरू कर दी है। मरीन लाइफ के काले कारोबार में शामिल लोगों पर गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है, लेकिन असली गुनहगार अभी भी पकड़ से दूर हैं। तो फिशरमैन को अगर उनको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इनकम मिल जाता है इनसे, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि उनको पता नहीं रहता कि ये इलीगल है। सो ये जो स्मगलर्स है ये उनके अज्ञान का यूज करते हैं। उनको पता नहीं है कि भाई इसका प्रोटेक्शन और टाइगर का प्रोटेक्शन समान है। समंदर की गहराइयों से कुकुम्बर निकालकर उसे सोने के भाव बेचने वाले तस्करों की धड़ पकड़ और समंदर को सुरक्षित बनाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिन रात एक करती है, दूरबीन से दूर दूर तक नजर रखती है। सिर्फ यही नहीं, सरकार ने और एजेंसियां भी लगा रखी हैं। लेकिन क्या इतना काफी है या कुछ और किया जाना बाकी है, क्योंकि माफियागिरी अब समंदर के तल तक पहुंच चुकी है। आलोक वर्मा, रामेश्वरम। हमारी यह रिपोर्ट देखकर आप समझ ही गए होंगे कि समुद्री खीरा कोई समुद्री सब्जी नहीं है,
बल्कि एक खास किस्म का समुद्री जीव है जिसे समुद्री खीरा या फिर सी क्यूकुंबर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी बनावट कुछ हद तक खीरे जैसी ही होती है। हालांकि इसका वैज्ञानिक नाम हेलोथोरिन है और ये ट्रॉपिकल शैलो वाटर या फिर कोरल रीफ वाले इलाके में जाते हैं, ये वहीं पे मिलते हैं। और भारत में ये खासतौर पर मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, केरल के तटीय क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के तटीय जल में पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में समुद्री खीरे की 1700 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 179 प्रजाति भारत में मौजूद है। उन्हें समंदर की साफ सफाई करने वाले जीव के तौर पर भी जाना जाता है और ये समुद्री जीव समंदर की एसिडिटी को कम करने में बेहद अहम होते हैं। इसलिए सी कुकुम्बर समुद्री इकोसिस्टम के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं और समंदर की मरीन लाइफ अच्छी बने रहे इसके लिए इनकी मौजूदगी बेहद जरूरी मानी जाती है। लेकिन बढ़ती मांग की वजह से अब इनके अस्तित्व पर भी खतरा है। लेकिन मुनाफे का लालच कुछ ऐसा है कि माफिया सिस्टम और कानून को चकमा देकर इसके कारोबार में लोग जुटे हुए हैं और इसलिए ये तस्वीर आपके नजरों से छिपी हुई थी, जिसे हमने पूरी कोशिश के साथ आपके सामने रखने की कोशिश, क्योंकि इसकी तस्करी सिर्फ देश में नहीं, देश के बाहर विदेशों में सबसे ज्यादा इसकी मांग है।